देखिए जब फुहारा चलता तो यहाँ का नज़ारा कुछ अलग होता है। मैं नज़दीक लेके चल रहा हूँ। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और दोस्तों मैं भी स्वस्थ हूँ, अपने काम में व्यस्त हूँ। और दोस्तों आज मैं ऐसी जगह पर आ गया हूँ जो सत्संग द्वार है। यहाँ पर सत्संग वगैरह होते हैं, बहुत अच्छा रहता है। धन धन सतगुरु तेरा ही सहारा, बिल्कुल सही लिखा है गेट पे। ये आप लोग देख सकते हो, ये मेन द्वार है। इसके बाद दूसरा गेट द्वार पड़ेगा। और यहाँ की जो नेचर है, नेचुरल जो मतलब सिस्टम, जो हरियाली है, जो प्राकृतिक हरियाली है, वो आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ का जो अगर हमारे अंकल जी मिल गए तो शायद वो जानकारी भी देंगे कि यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं सत्संग के लिए, और बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों ब्लॉग में बने रहिए। लोग अब चल रहे हैं अंदर को, और ये आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा गेट है। गेट की ही शुरुआत से ही तारीफ करने लायक गेट बना हुआ है। और ये सब इधर देखिए, कटिंगदार हरियाली आप लोग देखिए, और ये बगीचा है। और इधर देखिए बाग, बाग है। और इधर इनका गार्डन है, ये देखिए गार्डन। सांवर शाही मैनेजर साहिब पार्क है ये। बिल्कुल हम कहना भूल गए थे, सांवर शाही मैनेजर साहिब पार्क इस नाम से है। अभी आप लोगों को लेके चलेंगे अंदर भी। और अभी तो हम लोग रास्ते पे, मेन रास्ते पे चल रहे हैं। अभी आप लोगों को पार्क में भी घुमाएंगे। यहाँ की थी मतलब बहुत ही प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, यहाँ पे देख रेख करने वाले भी बहुत लोग हैं, और बहुत अच्छा लगता है। और सामने देखिए हमारे ओनर अंकल जी भी आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे भी गेट बहुत सुंदर है। अब हम लोग पार्क में चल रहे हैं अंदर, और हमारे मित्र पहले से हैं। ये देखिए भैया कटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी देख रेख करते हैं यहाँ पे। और ये देखिए क्या डिज़ाइन, अभी अभी तो तत्काल में ये देखिए सब कटिंग हो गई है यहाँ की, और कितनी ही सुंदर डिज़ाइन बनी हुई है, आप लोग देख सकते हो। और बहुत ही अच्छे अच्छे गुलाब के फूल हर तरीके के यहाँ पे हैं। और ये देखिए इधर पार्क है बहुत अच्छा। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया चीज़ें दिखाने के लिए, मैं प्रयास करता रहता हूँ कि हमेशा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊं। ये देखिए इसमें भी घुमनी टाइप का जो बैठने वाला बना हुआ है, बाबा जी लोग बैठते हैं। और ये सब गमले देखिए चारों तरफ टंगे हुए हैं, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए आप लोग, बिल्कुल आज हम लोग तो स्वर्ग में टहल रहे हैं। ये देखिए क्या डिज़ाइन है, ये देखिए भाई बहुत अच्छा मुझे लग रहा। ये देखिए सब पेड़ पौधे सब बहुत अच्छे अच्छे तैयार किए जा रहे हैं। और ये फुहारा है, फवारा वगैरह इसमें पानी निकलता है। जब निकलेगा तब भी दिखाएंगे आप लोगों को, अगर लाइट आ गई समय से तो चल जाएगा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा है, इसमें से जो ये बीच में कमल का फूल है, हाँ कमल का फूल बना हुआ है सब। हाँ, और अंदर वो सत्संग की बिल्डिंग आप लोगों को दिख रही है। ये देखिए घुमनी के ऊपर कितना अच्छा ये सब बना हुआ है, गोल गोल ऊपर से भी लाइट वगैरह आती रहती हैं। और एक ही अद्भुत पेड़ आप लोगों को दिखाते हैं, नज़दीक से चलें दिखाएंगे चल के आप लोगों को। ब्लॉग में बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊँगा मैं आप लोगों को। और कोशिश करता हूँ कि आप लोग मेरी ब्लॉग देख के खुश हों, और थोड़ा अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करें, क्योंकि मैं ऐसी जगहों पे जाता हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। ये देखिए ये पेड़, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे पहचान में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत पेड़ है ये। और चारों तरफ से गोल है, आप देख सकते हो, लेकिन पहचान में नहीं आ रहा। मैं और नज़दीक लेके चल रहा हूँ, इसके पत्तियाँ आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि पत्ती भी दो तीन प्रकार की हैं। और देखिए पार्क में बीच में है, और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। जिधर कैमरा घुमा दो उधर ही मतलब एक
प्राकृतिक जो नज़ारा है देखने को मिलता है, वातावरण ये देखिए कितना अच्छा है। मैं तो कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा सा अच्छा दिखाऊँ। ये देखिए गुलाब के फूल कितने अच्छे अच्छे लगे हुए हैं, और मैं भी अपना रील वगैरह बनाऊँगा यहाँ थोड़ी देर और सेल्फी लूँगा। ये देखिए मैं शायद विश्वास है मुझे कि आप लोग ब्लॉग में बने रहोगे, जाओगे नहीं इतनी जल्दी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखाऊँ आप लोगों को। ये देखिए, ये भी कमेंट में आप लोग बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो झूला है यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है धन धन सतगुरु तेरा ही सहारा, और झूले के दूसरे साइड में लिखा हुआ है ये देखिए सांवड़ शाही मैनेजर शाही पार्क। ये आप लोगों को, ये पार्क हमारा उत्तर प्रदेश खीरी ज़िला में पलिया तहसील और पटिहन ग्राम सभा में है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़ कैमरे में कैद हो जाए, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं कैद करता रहूँगा तो ब्लॉग बहुत लंबी हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल गोल, ये बैठने की जगह है, अंदर धूप बहुत अच्छी है और इसमें सब बैठते हैं, और यहाँ के कर्मचारी लोग लगे हुए हैं लगातार इस पे अच्छी अच्छी डिज़ाइन दे रहे हैं। और हमारे मित्र उधर हैं, अभी चलते हैं, बुला रहे हैं। अभी मैंने पिछली ब्लॉग में भी वो जो इन्हीं का एक वो उधर केंद्र था प्रेम सरधाम, जिसके ऊपर हवाई जहाज़ और दो शेर रखे हुए थे, वो भी दिखाया आप लोग। ये भी देख सकते हो कितना डिज़ाइनदार बना हुआ, सब चीज़ यहाँ पे अद्भुत दिखेगी। पास में कल्ला टाइप का है, थोड़ा गन्ना है। और ये देखिए सुंदरता की तो भरमार है यहाँ पे, सुंदरता की भरमार है। मैं तो अब सोच रहे हम लोग शाम तक यहीं रुकें, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है। अभी गेट के अंदर भी लेके चलेंगे, थोड़ा दिखाएंगे आप लोगों को, वहाँ भी बहुत बढ़िया है। और ये देखिए, ये भी देखने को मिला है यहाँ पे, नागफनी है शायद, हाँ नागफनी है। ये देखिए कितनी बड़ी, पहली बार मैंने इतनी बड़ी नागफनी देखी होगी अपनी लाइफ में। अभी ये फुहारा चल रहा होता तो और भी मज़ा आ जाता आप लोगों को, आप देखते कि हाँ किस पार्क्स में टहला रहे हैं भैया। भैया लोग सब अपना अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत तगड़ी देखरेख होती है। और ये देखिए, ये छुई मुई देखने को मिली है, इसको छूते ही मुरझा जाती है। ये आप लोग देख सकते हो, छूते ही मुरझा जाती है, क्योंकि ये छुई मुई इसीलिए बोला जाता है इसको, काफ़ी मात्रा में यहाँ पे है। दोस्तों हकीकत में मुझे नहीं विश्वास हो रहा कि मैं ऐसी जगहों पे घूम रहा हूँ। देखिए आप लोग, मुझे खुद नहीं विश्वास अपने पे हो पा रहा है कि मैं इतने इतने सुंदर पार्क में टहल रहा हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ जो चीज़ मैं करता हूँ आप लोगों तक शेयर करता हूँ। ये देखिए कितने खूबसूरत हैं, अब चलते हैं अंदर और अभी दिखाते हैं आप लोगों को। हम लोग सत्संग द्वार, ये प्रथम द्वार पहले मैंने दिखाया था, ये सेकेंड द्वार है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है धन धन सतगुरु तेरा ही सहारा, और यहाँ पे दो हाथी हैं जो गेट पे हैं, और ये इनमें से फुहारा निकलता है, लोग पवित्र होके ही अंदर जाते हैं बढ़िया से, क्योंकि ये जब लाइट चलती तो दोनों हाथी ये फुहारा छोड़ते हैं। बहुत ही अच्छी डिज़ाइन दे रखी है यहाँ पे। और ये आप लोग देखिए कितना अच्छा पार्क है, और यहाँ पे भी बाबा साहब का नाम दिया हुआ है धन धन सतगुरु, हाँ पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी, उन्हीं के नाम से ये स्थान है।
और यहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य देख के आप मोहित हो जाएंगे, क्योंकि मनमोहनी जैसी में यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ पे बहुत ढेर सारे गुलाब के फूल दिखेंगे आप लोगों को, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बड़ा पार्क है, आगे भी बोर्ड लगा हुआ है, धन धन सतगुरु तेरा ही सहारा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे। और देखिए कितना सुंदर है, और यहाँ पे बाबा जी रहते हैं। दोस्तों हम लोगों की किस्मत बहुत तेज है, जो समय से लाइट नहीं आई तो अंकल जी ने मतलब जनरेटर चलवा दिया, और ये देखिए ये हाथी की सूंड से इधर पानी निकल रहा और इधर वाले हाथी जी उधर को मतलब पानी फेंक रहे हैं। ये देखिए जो भी अंदर जाए वो अपना यहाँ से अपना अपने ऊपर पानी छिड़क सकता है, और उधर से भी। और आप लोगों को फुहारा भी दिखाते चल के हैं। दोस्तों फुहारा भी चल गया है, और देखिए जब फुहारा चलता तो यहाँ का नज़ारा कुछ अलग होता है। मैं नज़दीक लेके चल रहा हूँ, बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिला, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए कमल के फूल से भी पानी निकल रहा है, ये देखिए सब फुहारे चल रहे हैं ऊपर, देखिए कितना मस्त नज़ारा है। बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिला। दोस्तों उम्मीद करते हैं ब्लॉग बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।